सो वेलकम अगेन। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट शीट पे। ठीक है, डेट शीट की बात कर लेते हैं। तो डेट शीट पे जो चीजें बताई गई हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्होंने अलग से जो जारी किया है, जिसमें इन्होंने पीडीएफ जो भेजा है, आप लोगों ने देखा वो पीडीएफ भी एग्जाम डॉट ऑफिशियल पे भी हमने अवेलेबल करवाया, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और जिस पीडीएफ में ये कहा गया है कि जो एग्जाम्स हैं आपके वो चलेंगे 15 जुलाई से 20 अगस्त तक, 15 जुलाई टू 20th ऑफ अगस्त। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। ये जो आपके सीयूईटी यूजी में जितने भी स्टूडेंट जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, लगभग 15 लाख स्टूडेंट हैं। ठीक है, लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका, मैं बता दूं, इससे रिलेटेड है। क्या नाम है? एडमिट कार्ड से रिलेटेड। पहली बात तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे फेज वन के। ठीक है, फेज वन के एडमिट कार्ड आज मिलेंगे आपको शाम को 6:30 बजे। ठीक है, सॉरी 6 बजे। एक तो ये मिल, अब एक सवाल आपका ये है, क्या डेट शीट में एडमिट कार्ड में चेंज हो सकती है? तो ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉसिबल है ये कि डेट शीट जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल है बिल्कुल। आपका शहर वही रहेगा लेकिन डेट हो सकता है चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी एनटीए ऐसे करता रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी एडमिट कार्ड जब आप फेज वन के डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। सही एक्यूरेसी वही होगी, ठीक है, सबसे एक्यूरेट वही होगा। ओके, तो ये आज शाम से आपको एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे। इसमें आपको जो भी सेंटर डिटेल्स वगैरह भी दी जाएंगी। ठीक है, फेज वन और फेज टू में फर्क कुछ नहीं है। इन्होंने 15 लाख स्टूडेंट थे उनको डिवाइड कर दिया एक्चुअली। ठीक है, डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, बस और कुछ नहीं है। एक साथ करा नहीं सकते थे तो दो फेज में करा के एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, हाँ, तो डेट चेंज हो सकता है। अभी मैं तो यही कहूंगा कि आज एडमिट कार्ड जो आएंगे, नेशनल सब्जेक्ट में हिंदी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश का जो पेपर है वो देना होगा। जेएनयू के अंदर आप एलिजिबल तब हो जब आपने इंग्लिश ग्रामर दिया हो और दूसरा आपने क्या दिया हो, जनरल टेस्ट दिया हो, जीटी दिया हो। पता ऐसे चलेगा कि जब आप शाम को इंटरनेट पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे, तो आपको यहाँ पे दोनों का वो आ जाएगा। अगर आपका फेज वन में होगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर फेज टू में होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। ठीक है, मोस्टली जो आपका डेट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जिनका 5 को है उनको 7 को हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ज्यादा बदलाव नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और फेज टू में जो बच जाएंगे 8.5 लाख के बाद, उनका फेज टू में है। ठीक, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट भी करवाने हैं इनको और एनटी के पास इतने संसाधन तो है नहीं। ठीक है, नहीं करेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, कोई करेक्शन नहीं है, सीधा एडमिट कार्ड 17 या नवंबर में होगा। जेएनयू के प्रोस्पेक्ट अक्टूबर तक चाहिए, हो सकता है एडमिशन दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनका एडमिशन नवंबर तक ही होगा जाके। मैंने डोमेन भी चूज किया है तो मार्क्स मैटर करेंगे जेएनयू के कि नहीं? डोमेन के लिए, डोमेन के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे आकाश सिंह, केवल और केवल आपके जो मार्क्स मैटर करेंगे वो मैटर करेंगे।
ये सारी चीजें हैं, आप लोग तैयारी करिए, खासकर जिन लोगों के अगस्त मंथ में एग्जाम है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है जिनके अगस्त मंथ में एग्जाम है, वो चीजों को रिवाइज करना बंद ना करें, ठीक है। और हम लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लासेस जो है, फ्री क्लासेस हैं, ये उनके लिए चलाते रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग वाली भी चलती रहेंगी, तो काफी सारी चीजें जो है आपकी इजी हो जाएंगी। हाँ, ये जनरल टेस्ट में आपका पॉल साइंस, हिस्ट्री, आपका हमने जो पढ़ा है यहाँ पे, ज्योग्राफी भी पढ़ा, वो भी आएगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। दिक्कत आ रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए यार, आप लोग घर पे होते हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड में आवाज आती रहती है। हमदान फजल, तो ये जो इश्यूज हैं आपके एडमिट कार्ड दोनों स्लॉट के एग्जाम के बारे में पता, हाँ बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सीधी एक नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारा करंट अफेयर्स। इसको लेके काफी लोग परेशान थे कि करंट अफेयर को हम कैसे कवर करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले आप लोगों ने करंट अफेयर मोस्टली पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। और करंट अफेयर जो खासकर आप देखते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, एक न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, दूसरा होता है कि एक कहीं ना कहीं मतलब एक डे का आपको 5 से 7 पेज करंट अफेयर मिल जाता है, 5 to 7 पेजेस। मुझे लगता है इनकी जरूरत नहीं होती है एंट्रेंस एग्जाम्स में, क्योंकि जब क्वेश्चन आप देखेंगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन पॉलिसी से हो, चाहे वो या फिर वर्ल्ड के अंदर कोई, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, यूक्रेन ने रशिया से क्वेश्चन। इसके अलावा आपको पता है गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है, गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे एक और आता है, वो आपका करंट अफेयर हो गए, ठीक है। जैसे अवार्ड्स वगैरह जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हमें एडिटोरियल की रिक्वायरमेंट है कि हम एडिटोरियल को डिस्कस करें बैठ के, ना हमें पूरा न्यूज़पेपर रटने की जरूरत है कि हम नोटबुक लेके बैठे और पूरे न्यूज़पेपर में से सब पॉइंट छाप डालें, उसकी भी कहीं से आवश्यकता नहीं होती है। मेरे माइक में प्रॉब्लम नहीं, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अभी चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है? अब तो नहीं कट रही किसी के फोन में? ओके, अब वो इंटरनेट प्रॉब्लम होता है आप लोगों का, फ्रॉम माय साइड ऐसा नहीं है। चलिए मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है आपका कि आप जब सीए पढ़ते हैं करंट अफेयर, आपके पास मान लो किसी का एग्जाम 16 तारीख को है, मैं 16 जुलाई के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी का एग्जाम 16 जुलाई को है और आपको 3 दिन में सब कुछ करना है, एवरीथिंग यू वॉन्ट टू कवर विद इन 2 डेज और 3 डेज, ठीक है। सो क्या वे हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है
क्योंकि सीए के ऊपर मैं दो क्लासेज और करवाने वाला हूँ, दो एक क्लास इवनिंग में ही होगी आज। अब यहाँ पे जो आपको जानना है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 6 महीने आपके पास है, पुराने 6 मंथ आपके पास है, इन 6 मंथ को उठा के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक एक कैटेगरी जो है वो मैं ही बांट दूंगा, आप तो क्या ही बांटेंगे। अब हर एक कैटेगरी में पॉलिटिकल चेंज जो वर्ल्ड वाइड हुए हैं, आपको पता है दुनिया के अंदर टॉप मोस्ट कंट्रीज के पॉलिटिकल चेंजेस उठाने होते हैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस पे काम तो करते हैं लेकिन वो पूरी दुनिया को पढ़ने बैठ जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है बहुत बड़े चेंजेस हमारे पड़ोसी कंट्री श्रीलंका में भी देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर हम बात करें जर्मनी की पॉलिटिक्स की बात करें तो जर्मनी की पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिले हमें। उसके बाद इतना इनफ होता है, अकॉर्डिंग टू मी उतना इनफ है, क्योंकि जिस लेवल का आपका एग्जाम है ना उसमें एडिटोरियल वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल चेंज देखने को मिले, उसके अलावा आपको और भी फ्रांस में आपको चेंजेस देखने को मिले, चेंजेस नहीं हुए वैसे लेकिन पॉलिटिकल जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका वो है आपका कि जैसे क्वेश्चन जो राइज होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे राइज होगा आपका, वो यहाँ से नए चांसलर का पूछ सकता है। जर्मनी के अंदर कहाँ से आता है, चांसलर से आता है, ठीक है। चांसलर के अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, चांसलर किस पॉलिटिकल पार्टी से, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इससे ज्यादा चांसेस नहीं होते कि आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बदल पाए, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है वो ये है कि आपको एक माइंड में चीजों को क्लियर करना है कि हाँ पॉलिटिकल बदलाव में ये 5 टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, इनको उठाना है। पाकिस्तान की राजनीति से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत नया चेंज होता है, सबको याद है शहबाज शरीफ का नाम, अगर वो भी याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इश्यू कहाँ होता है, जर्मनी में हो जाता है, फ्रांस की चीजों में हो जाता है, नई कंट्रीज है, यहाँ पे श्रीलंका बहुत ज्यादा नाटक हुआ है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका में नए विक्रम रनल सिंघे जो है वो है, महिंद्रा राजपक्षे छोड़ के भाग गए, गोटाबाया छोड़ के भाग गए, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल बदलाव क्या था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आप लोगों ने देखा हो पिछले एक साल में जो बड़े एक हम कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, खासकर वहां से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बार किसी कंट्री गए थे, शायद साउथ कोरिया गए थे, तो साउथ कोरिया में उनको पीस अवार्ड दिया गया था, सियोल पीस अवार्ड करके होता है, ठीक है। वो क्या है, सियोल एक पीस अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा था इनसे, इन्होंने कोई समिट अटेंड करी थी, ठीक है, समिट अटेंड किया किया था, उस समिट से क्वेश्चन आया था कि कौन से समिट में गए थे, ठीक है। ये होता है करंट अफेयर का लेवल 12th के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पीस अवार्ड मिला, इन्हें समिट इन्होंने अटेंड की, यहाँ से क्वेश्चन डाल दिया इसने सीईओ को लेके। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग एक गलती कर बैठते हैं, गलती क्या करते हैं कि करंट अफेयर में हम कभी भी पढ़ने से पहले दुनिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, कौन से अवार्ड्स मिले उन्हें रिसेंटली, और जबकि 6 महीने में ऐसे कोई बड़े अवार्ड इनके पास इस बार पिछले 6 महीने में कोई बड़े अवार्ड नहीं है इनके पास। खैर इसलिए आप एक चीज से टेंशन फ्री हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड समिट अटेंड किए हैं, चाहे क्वाड है, G7 है, ब्रिक्स की समिट, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो G7 से आएगा, हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन बड़ी समिट से आते हैं, G7 से आता है, या फिर अगर मान लो इन्होंने लास्ट G20 का समिट कहाँ अटेंड किया था वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 2023 का कौन सा समिट इंडिया में होने वाला है, G20, ठीक है, अपकमिंग G20 कहाँ होने वाला है, J&K में। ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव सा हो जाता है जम्मू कश्मीर का नाम आते, तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ
एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के नाम पे पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान हल्ला मचाना स्टार्ट कर देता है। सो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के पेपर को आसान बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको जब एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बहुत ही बेसिक्स होते हैं, और मुझे लगता है कि एवरीवन कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको एक ऐसी डिफिकल्टी से नहीं लड़ना होता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो था ही नहीं, ऐसा पता नहीं क्या पूछ लिया आपने, ठीक है। जुलाई के करंट अफेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट थॉट क्या आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है जब आप प्राइम मिनिस्टर से आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था अपनी कुछ क्लासेस में कि आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन से क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था किस तरह के आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन से जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं, देखिए एक तो आपको पता है कि पूरे देश में एक तो दिल्ली है और दूसरी पांडिचेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पांडिचेरी जो है ये दो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि यूटी है, यू नो यूटी यूनाइटेड सॉरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब यूटी होने के बाद भी ये दोनों के दोनों स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन यहां से मैंने कई एग्जाम्स में खुद दिया है, कई एग्जाम जिनके अंदर यहां से क्वेश्चन आया कि विच वन टू यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन प्रेजेंट इलेक्शन, ठीक है। इनके एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो हिस्सा लेते हैं प्रेजेंट इलेक्शन में, क्योंकि यही दो यूटी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, ठीक है, जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी बस है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट इलेक्शन से क्या आता है कि जैसे पुराने जो प्रेजिडेंट है, ठीक है, जो पुराने प्रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो वहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे एमएलसी वाले से ये क्वेश्चन नहीं आता है राजीव, एमएलसी वाले से जो क्वेश्चन आता है ना वो किन किन स्टेट्स में एमएलसी बनते हैं, आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किन किन स्टेट्स में है, तो उनके नंबर पूछता है वो, ठीक है। या फिर आपसे कोई एक स्टेट दे देगा उसमें पूछ लेगा कि विच इसमें से किसके पास बायकैमरल लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है वो है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, यूपी है, बिहार है, ठीक है, ऐसे जो भी स्टेट्स हैं टोटल उन स्टेट्स के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि प्रेजेंट इलेक्शन की मैं बात कर रहा था, तो कई बार क्या होता है कि प्रीवियस प्रेजेंट के बारे में पूछ लेते हैं कि जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं तो वो सबको याद होंगे, तो हो सकता है कि कई बार आपसे इनसे पहले वाले पूछ लेते हैं, तो इनसे पहले वाले आपको पता होंगे अच्छे से, इनसे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इस साल जो प्रेसिडेंट बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू वो हमारे संविधान में दूसरी महिला प्रेसिडेंट होंगी, ठीक है। उनसे पहले यहाँ से कनेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार कौन आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू आ रही है, ठीक है, द्रौपदी जी आ रही है। अब द्रौपदी जी आ रही है तो ऑफकोर्स ये सेकेंड वुमन बन रही है हमारे पूरे आजादी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से भी पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ से पूछा गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से भी पूछ सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी क्या रही थी, आपका जो इलेक्शन बाकी है लेकिन ये कन्फर्म ही होता है, एक्चुअली जो सत्ताधारी दल होता है 99% उसी का जो कैंडिडेट होता है वही प्रेजिडेंट बनता है। तो ये समझ लीजिए कि द्रौपदी जी का लगभग आप मान के चलिए 100% यही प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ वुमन टू वुमन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ द्रौपदी जी और प्रतिभा देवी सिंह जी एज अ वुमन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ द्रौपदी जी तो अभी बनी नहीं है, ऑफिशियली तो बनी नहीं है, तो ऑफिशियली नहीं बनी तो इनसे क्वेश्चन ना पूछ के कहाँ से पूछ लेगा,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से पूछ लेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इसी प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर ऑपोजिशन के टोटल एमएलएज और जो कुछ एमएलएज का जो वोट का वैल्यू होता है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं इस देश में सिनेरियो कि अपोजिट पार्टियों के जो वोट का वैल्यू है, एक्चुअली इनके वोट का वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो टोटल वैल्यू जो है वो अपोजिशन के विधायक इतने नहीं है। ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर चांसेस थे थोड़ा, तो वो ये समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई और अभी उद्धव ठाकरे ने भी बोल दिया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर उनका जो पार्टी का कल आया है जो उसमें भी बोल दिया कि हाँ द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट करना है। तो पॉइंट वो है ना कि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होता है नहीं है कि सत्ताधारी दल के अगेंस्ट कोई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको देखो अपने फायदे भी चाहिए होते हैं। वैसे भी यू नो वेरी वेल प्रेसिडेंट जस्ट ए रबर स्टैम्प, संवैधानिक पद है लेकिन सरकार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपोजिशन वाले बना के भी क्या कर लेंगे लास्ट में, ज्यादा दिक्कत आएगा महाभियोग चला के उसे हटा देगी सरकार, कर भी क्या लोगे। तो सिंपल होता है कि राष्ट्रपति कोई बन जाए लेकिन सीधा सा है कि काम उसे वही करना होता है जो सरकार बोलती है, चाहे वो अपोजिशन से बन के आ जाए चाहे जो सत्ताधारी दल है उससे बन के आ जाए। तो ये प्रणब मुखर्जी से पहले जो थी राष्ट्रपति हमारे वो थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ पे वोट वैल्यू है तो वोट वैल्यू से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हर साल जो वोट वैल्यू है वो बदलती रहती है हर प्रेजेंट इलेक्शन में। और दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आप अगर एग्जाम्स में देखेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्स में अगर आप देखें तो एक चीज जो आती है वो ये है कि आप स्टेट वाइज, एक बार जेएनयू के एग्जाम में क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ, उस साल आई थिंक 2020 की बात है ये, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 2020 की बात है, 2020 के अंदर एक क्वेश्चन था, वो था स्टूडेंट स्टेट इलेक्शन से, ठीक है, स्टेट इलेक्शन से। अब स्टेट इलेक्शन कहाँ का था, कर्नाटका, कर्नाटका से एक क्वेश्चन आया था और कर्नाटका से एक क्वेश्चन आया था। एक्चुअली वहां पे क्या हुआ, जैसे अभी हुआ ना महाराष्ट्र में कि वहां पे सरकार पलट गई ऐसा कुछ हुआ था, तो उस 2020 में महाराष्ट्र सेम कंडीशन हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में एकदम सेम कंडीशन हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र है सॉरी कर्नाटका जो है, तो कर्नाटका का जो गवर्नर था उसका नाम पूछ लिया था, तो उसका नाम पूछ लिया था कर्नाटका के गवर्नर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्शन की जब बात चली रही है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2022 में हमारे देश में 5 states में इलेक्शन हुए थे और ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था, वो था उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको पता है देश की राजनीति यहीं से चलती है, इसी राज्य से चलती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा इसमें, लेकिन यहाँ पे और भी 5 states थे, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से 5 states थे, ठीक है, या फिर यूपी जैसे जो बड़े बड़ा राज्य है हो सकता है यहाँ के गवर्नर का नाम पूछ ले, ठीक है, क्योंकि योगी जी का नाम तो सबको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर का आप ये नहीं जान, हाँ पंजाब भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, लेकिन एक रीजन बता रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है एग्जाम पेपर्स में सरकार की आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, जो ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर के पेपर गवर्नमेंट रिलेटेड ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो सरकार सत्ताधारी दल है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिस तरह तो वैसे पॉइंट्स जो है वो कवर करने और बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली आपका डर खत्म हो रहा होगा इस चीज को लेकर करंट अफेयर वाला, ठीक है। आगे देखिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ऐसा होता है कि जैसे कई बार उस साइड क्या होता है कि कम एज के जो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन तो कभी कभार हो जाते हैं। बाकी मैंने जो पॉइंट कहा वो ये है कि यूपी जैसे स्टेट जो वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा, तो ऑफकोर्स यहाँ से क्वेश्चन या फिर बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाला ड्रामा थोड़ा नया है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
नहीं तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे आप मोस्टली चर्चा में रहती हैं ये चीजें तो आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको कवर करनी होती हैं। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे जाति आधारित जनगणना हो रही है, कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो पहली बार किसी स्टेट में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट भी है। अब देखिए करंट अफेयर में और क्या आता है, करंट अफेयर के कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको और बताओ, ये यहाँ तक क्लियर हो ना प्रेसिडेंट के क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे केवल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट पता रहेगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आप वो कहते हैं ना कि तीर सही निशाने पे लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, लाइक यूट्यूब पे भी जो देखेंगे इसको आपकी भी क्लियर है तो बता दीजिए, बाकी अगर नहीं है क्लियर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इंग्लिश के जो मॉक टेस्ट है वो मिलने वाले हैं आज शाम को, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जिनके एग्जाम 16 को है। सो वी आर ट्राइंग कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प हो पाए हमारी तरफ से, और जितना हमारी तरफ से हो पाएगा वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। तो जो YouTube पे भी देख रहे हैं और अभी तक एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें ताकि वहां पे आपको लिंक मिल सके उन मॉक टेस्ट का। तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दूसरा पार्ट स्टार्ट मैं करता हूँ, वो करता हूँ पॉलिसी, क्योंकि सरकार कहीं भी मौका नहीं छोड़ती पॉलिसी को एक्सप्रेस करने का। आप कभी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है उसमें आप देखेंगे उस स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भर भर के आती हैं, खूब सारी पॉलिसीज होती हैं उसमें, ये पॉलिसी फलानी पॉलिसी फलानी पॉलिसी, क्या कब लॉन्च की, क्या इसका फायदा था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में इतना नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी योजनाएं जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक को एक फायदा पहुंचाती हैं, हो सकता है यहाँ पे एक आने वाला जो स्पेक्ट्रम नीलामी है 5G स्पेक्ट्रम वहां से एक आध क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ज्यादा नहीं आएगा, 2 से 3 ही आएगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 से 3 क्वेश्चन के लिए हमें आवश्यकता ये है कि हम एग्जाम से पहले हर एक चीज को पॉइंट पॉइंट पढ़ लें, खत्म करें, ठीक है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, हमें केवल इतना ही काम करना है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आने हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, अडानी तो आएगा ही, अडानी तो हर जगह आएगा, डोंट वरी। खैर आगे देखिए, जो मैं बताया था पॉलिसी, तो पॉलिसी से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी जितने भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कोविड को बीते हुए टाइम हो चुका है, ठीक है, कोविड वैक्सीन वाले सिस्टम को, लेकिन हो सकता है पिछले सालों में क्वेश्चन नहीं दिए कोविड से वुहान के अलावा, तो हो सकता है इस बार कोविड की वैक्सीन से क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि कोविड से मोस्टली सबका ध्यान हट चुका है, तो टीचर जानता है कि जिससे ध्यान हटा वहीं पे दिमाग लगा लो, ठीक है। तो पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं पॉलिसी पिछले 5 से 7 जो टॉप मोस्ट पॉलिसीज है उनका जो पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है वो मैं आपके एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ मैं, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा इंटरनेशनल गेम्स की तरफ आपको ले चलता हूँ, ठीक है। इसकी तरफ इंटरनेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इंटरनेशनल गेम्स में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह का आएगा, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, आपको पता है ना फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है आपका कतर में, ठीक है। और कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। अब यहाँ पे एक चीज और है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, अब कई बार क्या होता है कि रिसेंटली सबको याद होता है कि हाँ 2022 वाला तो कतर में होगा, सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बट बहुत सारे भूल गए होंगे कि 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। देखो एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है, वो बड़े आराम से फंसा सकता है, तो ये कहाँ पे हुआ था, 2018 वाला रशिया में हुआ था, ठीक है, और इसका विनर कौन बना था, फ्रांस बना था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो भूल जाते हैं कि पता नहीं पिछला वाला क्या था, कहाँ हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इसका विनर कौन बना था, फ्रांस बना था। या फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है, कतर दोहा में, ठीक है, याद रखिएगा, और 2018 का विनर याद रखिएगा,
ठीक है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है ओलंपिक की बात आती है, फ्रांस बना था फ्रांस, ओलंपिक की बात आती है, ओलंपिक आपको पता है 2020 कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। अब टोक्यो वाला आपको मैंने बताया था कि ये पोस्टपोन होके किस में हुआ था, अब 2024 वाला, क्यों 2024 में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो 2024 वाला कहाँ होना है, पेरिस में होना है, ठीक है, और 2028 वाला कहाँ होना है, लॉस एंजलिस में, ठीक है, ये कहाँ पे होना है, यूएसए में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे इंडियन टीम ने थॉमस कप जीता था, ठीक है, थॉमस कप पहली बार जीता है इन्होंने, तो थॉमस कप जो है जब जीता तो ये थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है, अभी रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम हुए वहां पे थॉमस कप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे, बैडमिंटन एंड टेनिस, आप सोचोगे बैडमिंटन और टेनिस में कौन सा करके आऊं, तो बैडमिंटन, ठीक है, जैसे हम गांव की भाषा में बचपन में चिड़िया बल्ला कहते थे, हाँ थर्टी सिक्स समर ओलंपिक कर सकता है हेल्प, देखते हैं क्या होता है आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे जो बैडमिंटन है इसका थॉमस कप जो है, और इसके अलावा जो आपको पता है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जेएनयू ने कई बार पूछे हैं, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था ये किसने जीता था, इंडिया ने। अब सवाल ये आता है इंडिया ने जीता तो था बट हराया किसको था इसने, इंडिया ने इंग्लैंड को या श्रीलंका को, किसको, तो इसने हराया था वहां पे श्रीलंका को। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके। इसके अलावा आपको पता होता है कि जनवरी के अंदर वर्ल्ड वाइड क्या होता है, जनवरी के अंदर पहला जो खासकर ग्रैंड स्लैम होता है, सॉरी ये ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन, बताता हूं मैं भी, ये कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन नहीं आएगा सर, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा फ्रेंच, क्वेश्चन इन दो से आने के चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन था और फ्रेंच के विनर कौन है, विंबलडन से भी पूछ लेता है कभी कभी, बट यहाँ पे मोस्टली जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन से पूछता है। तो यहाँ पे मेरा जो सवाल है उसे देखिए, मेरा सवाल क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये इसके जो विनर हैं वो कौन थे, और फ्रेंच ओपन के दोनों के राफेल नडाल थे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका कहां से आ सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन से, ठीक है। तो ये हाँ राफेल नडाल जो है ये इसके विनर रहे, और राफेल नडाल जो है ये किस कंट्री से है ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो स्पेन से है ये, ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम फ्रेंच ओपन जीतने का इनके पास हासिल है रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्ल्ड वाइड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एश पार्टी फीमेल थी और इन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट भी ले लिया है। यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि किस तरह से राइज होते हैं, मैं आपको वैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, ना ही अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स वो होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उस तरह क्वेश्चन